घोड़ की गुजरात सी पेक बॉर्डर वेते हथरबंधन हथा कतल थी वेल अब्दुल रहमान बुगटी चैन मुसाफरन के जख्मी करे फुर वारे वाकई बाद डीआईजी सखर अब्दुल हमीद खोसो घोड़ की थाने पहुंची। जिले में अमन अमान की सूरत हाल बाबत इजलास की सदारत कई। इजलास में एसएसपी घोड़की समेत जिले के नव डीएसपी ए समूरन थाने के एसएचओज शिरकत कई। गजाने बाद एसएसपी घोड़की अनवर खेतरा सहाफिन से गलहंदे चयो आहे त ये डागू जो बैठे हैं कच्चे में इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। अच्छा सर, उसमें राहिब शर है, सनाउल्ला शर है, राहिब शर है, राहिब शर के रिश्तेदार है, कुछ सोनानी शर हैं, मोरियो शर है, ये अपना मल्हण है, शहजादो मल्हण है। इन्होंने हमें थ्रेट भी किया था, हम इन्हें इन पर रेड्स कर रहे थे तो इन्होंने थ्रेट किया था, तो ये मोटरवे पर आए और इन्होंने जानबूझ के गाड़ियों पर फायरिंग की है। अच्छा सर, क्या जी आमने सामने तो होना था, आज नहीं तो कल होंगे, और हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं डाकुओं के साथ, और वो हमें जो है हराना चाह रहे हैं, और शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है, गवर्नमेंट कभी नहीं हारती, इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपने पूरे ज़ोर के साथ डाकुओं के अगेंस्ट जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी ना हम रेंजर्स का मुतालबा कर रहे हैं ना आर्मी का, ये पुलिस जाएगी इंशाल्लाह और ऑपरेशन करके आएगी। अच्छा, ये जागीरानी गैंग के अगेंस्ट भी होगा, शर गैंग के अगेंस्ट भी होगा। अच्छा पुलिस, उसकी वजह ये है कि जो कच्चे का इलाका है वो तकरीबन नो गो एरिया है, तो आप जितनी भी चौकीदारी कर लें आखिर उनको रास्ता मिल जाता है, तो अब इंशाल्लाह अंदर जाएंगे, नो गो एरिया ख़त्म करेंगे। गिरानियों का इलाका है जी जी, और शरों का इलाका है, बंदे का पता लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी ने फेवर दिया डाकू को तो हम करते रहे कार्रवाई, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता कि हमारे 15 बंदे जो जी डाकू हैं, तो ऐसे लोग हैं जो करते रहें डाकुओं से कहीं ना कहीं ताउन, क्योंकि लोकल है, हमारी पुलिस में भी इन्हीं कम्युनिटीज़ के लोग भी हैं और सारे लोकल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई 10 साल पुराना ताल्लुक 20 साल पुराना ताल्लुक होता है। सर लोग डरे हुए, ये जो हाईवे वाला 4-5 वाक़े हैं ये 5 तारीख से स्टार्ट हुए, ये आपके जहन में रहे, और 5 तारीख को हमारा पहला वाक़या हुआ और अभी आज 13 तारीख है, तो ये 5 वाक़े हो चुके हैं और ये जानबूझ के कर रहे हैं। डाकुओं को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हाईवे पे फायरिंग करने का क्या रिज़ल्ट निकलता है, वो खौफ हरास फैला रहे हैं और स्पेशली पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और पुलिस को नाकाम जाहिर करने के लिए और बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें देखिए कहीं ना कहीं तो पिकटों के दरमियान कोताही है और उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने परसों एम्बुश लगाया था, डाकू है परवेज़ जागीरानी और उस तरफ एक मुराद जागीरानी है, कश्मोर साइड पे अपने आप को शायद वडेरा कहते हैं, उनके बच्चे और भतीजे थे जो ये डकैती करके आ रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जी सख्त कार्रवाई की जाए, अभी देखेंगे जैसे गवर्नमेंट बनेगी सख्त कार्रवाई। जब भी ऑपरेशन हुआ पुलिस की सबसे बड़ी जो मसला था वो था कि औरतें बच्चे ना मरें, बिल्कुल सीधी बात है, हर डाकू के 11 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, दो दो औरतें रखी हुई हैं, वो कंसीडरेशन सिर्फ गवर्नमेंट के सामने रहती है, कहीं भी अगर कोई 10-15 औरतें मर जाएं, बच्चे मर जाएं, तो आप ही मुझसे सवाल करेंगे कि जी आपने कैसा ऑपरेशन किया, 15 औरतें मार दी हैं। ये वाहिद वजह शायद पहले भी जब भी ऑपरेशन बड़े स्टार्ट हुए तो किसी न किसी स्टेज पर जाके उनको थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ी या बड़े हथियार नहीं इस्तेमाल किए गए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, अलग करेगा इंशाल्लाह, ये कोलैटरल डैमेज अवॉइड करेंगे। सर आपके पास ऐसे हथियार? बड़े हथियार नहीं है हमारे पास ना, अब हम मांग रहे हैं, हम इन्हीं कलाशनकोफ और G3 के थ्रू जाएंगे और इंशाल्लाह आपको तो डाकुओं के लिए क्या पैगाम है जो आपको देखो अपने वीडियोस भेज। दुनिया में वाहिद जगह है मैंने देखी है जहाँ डाकू वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं और डकैतियाँ भी मार रहे हैं, और शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं, अगर इतना आसान काम होता तो सारी दुनिया के डाकू कर रहे होते। इनका एंड करीब है और आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ इन ये कबायली लड़ाइयों का आसरा ले रहे हैं कि जी हम कबायली झेड़े हमारे, हम सुंदरानी हैं तो हम शहर हैं, तो देखी जाएगी, अगर कबायली झेड़े वाले भी बीच में आते हैं तो वो भी अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। लोग रोड पे सफ़र करें फिलहाल? देखिए रोड तो जहाँ तालिबान है वहाँ भी बंद नहीं हुए या जहाँ पे खुदकुश हमले हुए हैं, तो रोड कोई अगर ये फायरिंग करके गलतफहमी का शिकार है कि शायद वो डॉन बन गए और रोड बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com आई दिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।